तो क्या आप तैयार हैं अपने गार्डन को ब्यूटीफुल कलर्स से भरने के लिए? आइए आज हम जानते हैं बोगनविलिया पौधे की देखभाल के सीक्रेट्स, जिसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक्स को यूटिलाइज करके आप लोग ढेर सारे बोगनविलिया के फ्लावर्स को अपने गार्डन में उगा सकते हैं। बोगनविलिया एक हार्डी प्लांट है, उसका मतलब ये है कि यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है कैसी भी सिचुएशन में। बहुत लो मेंटेनेंस भी है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट एंड फैंसीफुल कलर्स में पाया जाता है। बोगनविलिया को हम ज़्यादातर पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट्स मानते हैं और ये ऐसी जगहों पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं जहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है, जैसे फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, साउथ इंडिया, कैलिफोर्निया और भी बहुत सारे जगह। इस प्लांट का नाम एक फ्रेंच एक्सप्लोरर लुई एंटवान दे बोगनविलिया के ऊपर रखा गया था। इसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन की है जो आप सब लोग देख सकते हैं। फ्लावरिंग एक्चुअली बोगनविलिया में हम जिन्हें फ्लावर्स मानते हैं ना, वो फ्लावर्स नहीं है, वो मॉडिफाइड लीव्स हैं जिन्हें हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ये ब्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खिले रहते हैं और इनका बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट कलर होता है। तो इस प्लांट की पूरी खूबसूरती इनकी इन ब्यूटीफुल ब्रैक्ट्स की वजह से है, ना कि इनके फ्लावर की वजह से। ये जो बीच में आप इतना छोटा सा वाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये इसका एक्चुअल फ्लावर है। देखिए कितना छोटा सा टाइनी सा क्यूट सा फ्लावर है। ग्रोइंग मेथड्स, बोगनविलिया को ग्रो करने के लिए या तो आप कटिंग कर सकते हैं या फिर एयर लेयरिंग कर सकते हैं। कटिंग लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉनसून या फिर फरवरी से मार्च तक का टाइम। कटिंग के लिए आप टॉप ले सकते हैं, मतलब टॉप में थोड़ी सी लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ब्रैक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी मोटी कटिंग लीजिए और उसे सॉइल के अंदर लगा दीजिए। एयर लेयरिंग करने का सबसे अच्छा टाइम होता है अप्रैल से जुलाई। सॉइल, बोगनविलिया को ग्रो करने के लिए नरम सॉइल चाहिए, एसिडिक, वेल ड्रेन सॉइल जिसके अंदर लंबे टाइम तक पानी ना रुके, पोरस सॉइल जिसके अंदर आराम से एयर पास हो सके जिससे रूट्स इजीली ब्रीथ कर सके। और एक चीज का खास ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा नमी होती है मिट्टी में तो उसकी वजह से बोगनविलिया आसानी से ग्रो नहीं हो पाता है। इसके लिए परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं गार्डन सॉइल, सैंड, कॉम्पोस्ट, नीम खली और बोन मील। इसका गोल्डन रेशियो है 5:2:3, मतलब 5 पार्ट्स गार्डन सॉइल में 2 पार्ट्स सैंड मिलाइए और 3 पार्ट्स कॉम्पोस्ट, नीम खली और बोन मील मिक्स करके मिला दीजिए। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखिए कि मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोकोपीट नमी रोकता है जिसकी वजह से आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी। सनलाइट, इस ब्राइट पौधे को ब्राइट ब्राइट सन बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छे से सनलाइट मिलेगी तो ये पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इसके लिए रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप आप इसे ज़रूर दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। वाटरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं है, तो अगर गलती से ओवर वाटरिंग हो गई तो आपका प्लांट मर सकता है। तो हमेशा पानी देने से पहले 1 फिंगर टेस्ट कीजिए। 1 फिंगर टेस्ट का मतलब है कि सॉइल के अंदर अपनी एक उंगली डालिए, अगर 2 इंच का भाग बिल्कुल सूखा निकलता है तो आप पौधे को पानी दे सकते हैं। अगर गीली मिट्टी निकलती है तो फिर उस केस में आप कुछ टाइम तक रुक सकते हैं पानी देने से पहले। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने की वजह से ना ब्लूमिंग नहीं होती है बोगनविलिया के अंदर। तो लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बोगनविलिया में तो फूल निकल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हरी हरी पत्तियां निकलती चली जा रही हैं। तो शायद आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ बोगनविलिया में ब्लूमिंग लाने का टॉप सीक्रेट। देखिए, आपके पौधे में जब ब्लूमिंग नहीं हो रही है, मतलब सिर्फ हरी पत्तियां हैं, उस टाइम पे आप अपने पौधे को कम से कम पानी दीजिए, इतना पानी कि वो मरे ना। उसके बाद जब एक बार ब्लूमिंग शुरू हो जाए तब आप उसे फिर से प्रॉपरली पानी देना शुरू कीजिए और फिर देखिए कमाल, क्या खूबसूरत फूल निकलेंगे आपके बोगनविलिया के पौधे पे। प्रूनिंग, अब देखिए भाई, बोगनविलिया को बुशी बनाने के लिए ना प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 टाइप की प्रूनिंग आप कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय होता है मॉनसून शुरू होने से पहले, और सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप 20-25 दिनों के इंटरवल पे कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत फूल खिलेंगे। उसी के साथ जितने भी मुरझाए हुए पत्तियाँ हैं, फूल हैं, ब्रांचेज हैं, उनको कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं प्लांट की, जिसकी वजह से प्लांट में ब्लूमिंग नहीं हो पाती है। और जब आपका पौधा फुल ब्लूम पर हो उस टाइम पे प्रूनिंग करना अवॉइड कीजिए। फर्टिलाइजर, किसी भी पौधे को फर्टिलाइजर देने से पहले
उसकी नीड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बोगनविलिया को कम नाइट्रोजन चाहिए और ज़्यादा पोटेशियम चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर आप महीने में एक बार फर्टिलाइजर दे देंगे तो पौधा आराम से ग्रो कर जाएगा। तो आखिर कौन से फर्टिलाइजर्स इसके लिए बेस्ट होंगे? बोन मील, मस्टर्ड केक पाउडर मतलब सरसों की खली, सुपर फॉस्फेट, बनाना पील फर्टिलाइजर मतलब केले के छिलके का फर्टिलाइजर, और डीएपी इसके लिए वंडरफुल रहते हैं। फ्लावरिंग पैटर्न, अगर आप इसे समझ गए तो समझिए बोगनविलिया आराम से ग्रो हो जाएगा। देखिए, बोगनविलिया ज्यादातर नवंबर से मई के टाइम पे ग्रो होता है। जो ट्रॉपिकल जोन्स हैं जहाँ पर गर्मी होती है, वहाँ बोगनविलिया पूरे साल भी ब्लूम कर सकता है, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ सर्दियों के समय बोगनविलिया डोरमेंसी में चला जाता है और समर्स के टाइम पे वो अच्छे से ब्लूम करता है। तो पहली फ्लावरिंग होती है फेब्रवरी से जून के बीच, मॉनसून्स मतलब बारिश में ये पौधा रेस्ट करता है, और फिर दूसरी फ्लावरिंग होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, फिर दिसंबर से जनवरी में ये वापस डोरमेंसी में चला जाता है। तो अगर आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं और हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा टाइम होगा सितंबर एंड या फिर जनवरी से मार्च। इन्फेस्टेशन, 15 दिन में एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर देंगे तो आपको कभी भी अपने पौधे में किसी भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। पॉट, इस पौधे को लगाने के लिए आप क्ले पॉट या फिर सीमेंट पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मैंने अपने पौधे को सीमेंट पॉट के अंदर लगाया है। बस सॉइल अच्छी बनी होगी तो पौधा आराम से ग्रो हो जाएगा। पॉट का साइज 8 से 10 इंचेस का होना चाहिए, जिससे पौधे को आराम से ग्रो होने की स्पेस मिल सके। बोगनविलिया रूट बाउंड होना भी आराम से टॉलरेट कर सकता है, तो आप रिपॉटिंग तब कीजिए जब रूट्स बाहर आने लगे, या फिर 3 साल में एक बार रिपॉटिंग करेंगे तो भी बहुत आराम से काम चल जाएगा। दैट्स इट। तो बोगनविलिया को ग्रो करने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। तो बस देरी किस बात की है, आप भी फटाफट से जाइए और अपने बोगनविलिया के पौधे को ब्लूम करवाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।